ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आधार कार्ड में संशोधन के लिए निशुल्क सुविधा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौरभ गर्ग और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। सरकार आधार कार्ड धारकों को अपने आधार में ऑनलाइन माध्यम से मुफ्त में दस्तावेजों को अपडेट करने की सुविधा दे रही है। ये निशुल्क सेवा अगले 3 महीनों जो कि 15 मार्च से शुरू है 14 जून तक उपलब्ध है। और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, CEO UIDAI। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर गर्ग। धन्यवाद डॉक्टर गर्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि UIDAI ने दस्तावेज की जो अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की है उसमें एक विशेष क्लॉज है कि आप 10 साल से पहले के आधार को सत्यापित कर सकते हैं, इसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को अगर विस्तार से जानकारी दे सकें। बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले एक दशक के दौरान आधार नंबर भारत में निवासियों को पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और इसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं के साथ साथ कई अन्य सेवाओं का भी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। जिन निवासियों का आधार 10 साल पहले जारी किया गया था और उन्होंने उसके बाद इन वर्षों में कभी भी इसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे अपने पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण दस्तावेज को अपलोड करके दस्तावेजों को फिर से सत्यापित कर लें। निवासियों की सहायता के लिए वैध दस्तावेजों की एक अद्यतन सूची UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण समय समय पर निवासियों से अपने आधार में दस्तावेज अपडेट करने का अनुरोध करता आ रही है। सरकार ने इस पहल के तहत ऑनलाइन निःशुल्क अपडेट सुविधा प्रदान की है। इसके कारण हमें भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों निवासियों से बड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। मैं आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं और सभी निवासियों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि वे अपने आधार को अपडेट रखने के लिए इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। डॉक्टर गर्ग, मैं ऐसे में आपसे समझना चाहूंगा कि UIDAI ने जो ये 3 महीने की अवधि दी है आधार धारकों को, इसके विषय में और अगर आप जानकारी हमें बता पाएं कि कहां हम आधार अपना अपडेट करवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। सरकार ने दस्तावेज अपडेट करने की पहल के तहत निवासियों को अपने आधार में दस्तावेज निःशुल्क रूप से ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये डिजिटल इंडिया पहल के एक अंश के रूप में UIDAI ने निर्णय लिया है और निवासियों से अनुरोध करा है कि वे माय आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त दस्तावेज अपडेट करने की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यह जैसे आपने बताया निशुल्क सेवा 14 जून 2023 तक 3 महीनों के लिए उपलब्ध है। पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण, यह दो दस्तावेज ये माय आधार पोर्टल पे जाके अपडेट कर सकते हैं, इसे निशुल्क अभी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल सेंटर है जो भौतिक आधार केंद्र है तो वहां पे 50 रूपये का शुल्क देना जारी रहेगा, लेकिन माय आधार पोर्टल जो है जो ऑनलाइन है वहां पे ये निशुल्क रहेगा। यदि आपको अपना कोई डेमोग्राफिक विवरण, नाम, जन्म तिथि, पता आदि बदलने की आवश्यकता है तो निवासी को नियमित ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं या निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। जो आधार धारक अगर ऑनलाइन माध्यम चुनते हैं तो वो निःशुल्क सेवा है पूरी तरीके से, लेकिन अगर आप किसी फिजिकल सेंटर जाते हैं अपने नजदीकी डाकघर या जनसेवा केंद्र, वहां पे जो चार्जेस थे वो वैसे ही हैं। बिल्कुल, जो सामान्य चार्जेस हैं, जो डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए 50 रूपये। बिल्कुल जी। ऐसे में और जानकारी हमारे सामने जो है कि उपयोग स्वच्छता को भी बढ़ावा देने के लिए यानी बेहतर पारदर्शिता हासिल करने के लिए इसका अभियान चल रहा है, इसके विषय में आप अगर हमें विस्तार से बता सकें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का कहना है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आधार के किसी भी रूप, आधार पत्र हो, ई आधार हो, आधार PVC कार्ड हो या M आधार हो, की वास्तविकता स्थापित करने के लिए आधार धारक की सहमति के बाद आधार नंबर का सत्यापन सही कदम रहेगा और यह स्वच्छता बरताने को भी बढ़ावा हम दे रहे हैं। इसको किसी भी आधार को आप एक QR कोड होता है उस आधार पे जी। वो QR कोड स्कैनर के जरिए आधार के सभी रूपों को आप जान सकेंगे कि उसमें जो नाम और फोटोग्राफ है वही ओरिजिनल नाम और फोटोग्राफ है और कि कोई फोटोशॉपिंग या कोई उस पर टैम्परिंग नहीं की गई है। हम ये अनुरोध कर रहे हैं राज्य सरकारों से, सभी संस्थाएं जो आधार का इस्तेमाल करती हैं, कि आधार जब भी कोई व्यक्ति आधार अपना देता है उसका वेरीफाई करें, QR कोड स्कैन करें। और ये QR कोड स्कैनर सभी प्ले स्टोर में मिलता है, M आधार का ऐप है उसमें भी मिलता है और उसके जरिए
आप वेरीफाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वाकई में जो व्यक्ति QR कोड जो आधार दिखा रहा है वो ठीक आधार है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। डॉक्टर गर्ग, हाल ही में UIDAI ने मजबूत फिंगरप्रिंट यानी आधार प्रमाणीकरण के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र लॉन्च किया है। इस विषय में अगर आप हमें विस्तार से बता पाएं कि ये कैसे जो है फ्रॉड से बचने का एक बेहतर तरीका होगा। ये UIDAI ने आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है और इससे स्पूफिंग प्रयासों को तेजी से पता लगा सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सुरक्षा तंत्र जब भी कैप्चर किया जाता है फिंगरप्रिंट, उस समय वेरीफाई कर पाता है कि ये फिंगरप्रिंट जीवंत लाइव है कि नहीं। इससे आधार प्रमाणीकरण लेन देन को और मजबूत और सुरक्षित बनाने में सहायता कर रहा है। जीवंत का मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि ये उसी इंसान का फिंगरप्रिंट है या नहीं, किसी और माध्यम से तो फिंगरप्रिंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है कि उसी इंसान ने लगा रहा है, कोई और लगा रहा है उसके बिहाफ पे, तो ये चेक कर पाते हैं, ये लाइवनेस चेक है। ये हमारे इंटरनल रिसर्च टीम ने बनाया है। निश्चय आशा है कि इससे और लोगों में सुदृढ़ होगा, फेथ डेवलप होगा कि वाकई में जो फिंगरप्रिंट दे रहे हैं और कोई नहीं दे पाएगा वो। इसी चर्चा में अगर मैं भारत की G20 अध्यक्षता की बात करूं डॉक्टर गर्ग, तो उसमें दो चीजें चर्चा का केंद्र रही हैं। पहली रही है भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा खुद आधार रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर गर्ग कि अगर हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात करें आधार की, तो कैसे ये एक बेहतर रिसोर्स हो सकता है अन्य देशों को, और विशेषकर SDG 16.9 यानी 16.9 के लिए ये एक बहुत बढ़िया रिसोर्स हो सकता है, उसके विषय में आप अगर बताएं। ये डिजिटलाइजेशन तेजी से किसी भी सफल अर्थव्यवस्था की परिभाषित विशेषता बनता जा रहा है और विश्व की अर्थव्यवस्थाएं भारत की ओर देख रही हैं कि एक देश के रूप में हमसे प्रेरणा भी ले रही हैं कि हमने कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ति को उपयोग किया है भारत में। ये जो इंडिया स्टैक हम कहते हैं, इसमें डिफरेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधार है, UPI है पेमेंट्स के लिए, डिजी लॉकर है, और इस तरह के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। ये इंटरनेशनल बॉडीज और देश भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा चल रहा है, और G20 के माध्यम से हम ये दर्शा रहे हैं कि किस तरह ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत का सहयोग किया है। और कोविड के टाइम तो बहुत सहयोग किया कि लोग अपने गांव में बैठ के भी उनको पैसा पहुंच पाया। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी जो आधार है, ये इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के SDG गोल 16.9 में दिया गया है कि 2030 तक सभी देशों को अपने निवासियों को कानूनी पहचान पत्र प्रदान करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम G20 में दर्शा रहे हैं कि किस तरह आधार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत ने उपयोग किया है, और हमें आशा है कि जिस प्रकार से भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया है, निश्चय और देश भी इसी तरह इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल, और अंत में चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम जब भी सरकार की जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, बहुत पहले किसी सरकार में प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि अगर एक रुपया केंद्र से चलता है तो मात्र 15 पैसे बचता है जमीन तक पहुंचते पहुंचते, उसी का एक तोड़ रही है आधार बेस्ड जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स रही हैं। कितना महत्वपूर्ण भूमिका आधार ने इसमें निभाई है, इस पे आपकी राय हम समझना चाहेंगे। DBT स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, उसमें आधार उनका एक फाउंडेशन है, आधार उन स्कीमों का आधार है। इसी के कारण जो हम बोलते हैं कि बेनिफिशियरी जो उपभोक्ता हैं उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन हो, सिलेक्शन हो, उसमें सहायक हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार के माध्यम से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं पैसे, और इससे जो विभिन्न प्रकार के लीकेजेस थे, रॉन्ग बेनिफिशियरी सिलेक्शन थे या जो है ही नहीं वो उपभोक्ता भी पा रहे थे, ये सभी में बदलाव आया है। और इसी के कारण भारत सरकार को अनुमानित करीब 2.5 लाख करोड़ का सेविंग्स हुई हैं, जिसके कारण वो और उपभोक्ता को कवर कर सकते हैं, अन्य स्कीम में भी इस राशि को उपयोग कर सकते हैं। अभी करीब 1700 स्कीमों में आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगामी दिनों में निश्चय इसका और स्कीमों में इस्तेमाल होके लोगों तक जो सहूलियत है वो और विशेषकर पहुंच पाएगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आधार कार्ड में संशोधन के लिए निशुल्क सुविधा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सौरभ गर्ग और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।